Are you ready? Thank you very much. Thank you. बैठ जाइए, बैठ जाइए. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. कैसे हैं आप लोग? खाना वाना खाया था? नींद पूरी ली है? तो फिर तालियां बजाना. अच्छा एक मिनट, एक दफा तालियां मेरी इस टीम के लिए बजाइए जो इस शो की जान है. फैसल, लकी एंड द होल टीम. तो क्या चल रहा है लाइफ में आप लोगों की? आप तो खामोश हो गए हैं. चले, मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है. थैंक यू, थैंक यू. सबसे ज्यादा खुश जो है वो बच्चे हो रहे हैं. अच्छा, मेरे घर पे भी बेटी और एक बेटा है. होता क्या है कि हम जब किसी की बर्थडे में जाते हैं या हमारी फैमिली में किसी की बर्थडे हो रही होती है, तो हुरैन जो है वो किसी को केक काटने नहीं देती. कहती है बर्थडे है तो वो मेरी है. आज भी ऐसा ही हुआ. जब केक आता है घर में और हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो हुरैन के सामने कोई केक काट नहीं सकता. अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो मेरा छोटा वाला है वो कहता है नहीं, हुरैन नहीं काटेगी, मैं काटूँगा. तो इस दौरान जो है वो केक जो है वो दो टुकड़े करके आधा इनको देना पड़ता है, आधा इनको देना पड़ता है, और दो बर्थडेज होती हैं अब घर में हमारे. क्या बात है. अच्छा, आज मेरे पास आप लोगों को देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं. कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में मैं आपको. आज 2-4 हजार सीसी गाड़ियां हैं. पांच 1300 सीसी कार्स हैं और 5 800 सीसी कार्स हैं. और बाकी उसके अलावा लाखों के इनाम तो हैं ही, जिसमें गोल्ड भी है, जिसमें बाइक्स भी हैं और भी बहुत सारी चीजें. तो कौन जीतेगा आज? अच्छा, सब जीत जाएंगे तो फिर तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं. चले स्टार्ट करते हैं हम पोटली से. हमारा एक गेम था जो हमने दोबारा कंटिन्यू किया है. इसको आगे लाइएगा. इसमें भी कोई से भी तीन लकी विनर्स होंगे. कार्ड सब अपने अपने हाथ में ले लें. ये तीन लोग हैं जो मेरे साथ पोटली खेलेंगे. 1099 1099 आ जाइए. 2851 2851 आ जाइए. फैमिली के साथ आ जाइए. 1669 आ जाइए. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. वालेकुम सलाम. इस पोटली में गाड़ियां भी हैं, बाइक्स भी हैं, और ऐसा भी है कि पोटली खाली है. तो देखते हैं क्या निकलता है इन लोगों का. वालेकुम सलाम. अच्छा, जब तक ये लोग नीचे आते हैं मैं कुछ सवाल करने आप लोगों के पास आ जाऊं. जहां से ज्यादा शोर आएगा वहां आऊंगा मैं.
चलें जी आइए लड़कियों आ जाओ ज्वेलरी और रिस्ट वॉचेस ले आओ रेडी हैं आप आंटी से पूछो अच्छा थैंक यू आपका नाम क्या है सुमेरा माइक में बताइए क्या नाम है सुमेरा 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 खड़ी हो जाइए ना खड़े होंगे तो गिर जाऊंगी नहीं गिरेंगे आप वो गिरने नहीं देंगे हम वो कौन सा आदमी है जिस अच्छा थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जी अच्छा वो कौन सा आदमी है जिसके सामने बड़े से बड़ा आदमी भी सर झुका देता है आदमी वो कौन सा आदमी है आप पहले रिलैक्स हो जाइए हम कुछ नहीं करेंगे वो कौन सा आदमी है जिसके सामने बड़े से बड़ा आदमी सर झुका देता है अम्मा होती है। नहीं कौन सा आदमी है आदमी है जिसके सामने बड़े से बड़ा आदमी सर झुका देता है चलिए आइए नेक्स्ट पकड़िए नहीं 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 ये नहीं अब नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा बैठो आ रहा हूँ रुक जाओ 7 साल के बाद शेर क्या हो जाता है 8 साल का हो जाता है इसको दीजिए आप रिस्ट वॉचेस रिबेल की वॉच अच्छा सेल्फी एंड में वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम अच्छा क्या नाम है आपका सॉरी मीना इसे बताइए मीना ही बताइए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है ये आंसर मेरे ख्याल से औरतों को पता होना चाहिए नहीं तुम नहीं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है उनसे क्या पूछ रही पता आपको होगा उनको नहीं पता होगा अच्छा लाइए लाइन को दे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है मैं झूठ नहीं बोलता नहीं थैंक यू जी पहले कंटेस्टेंट आ जाइए माइक दीजिए ने क्या नाम है आपका मोहम्मद अली तो पोटली खेलेंगे आप जी यहाँ लाइएगा भाई नंबर बताइए 10 99 एक दफा चेक कर ले नंबर इनका अच्छा पोटली का आपको गेम पता है ना होता क्या एक्चुअली आपको बोलना होता है वो बोल जा सिम सिम मुझे नहीं बोलना पोटली को बोलना है तो दरवाजा खुलेगा उसमें से पोटली लेकर आऊंगा मैं जी बताइए अच्छा जरा देख के बाजू का ऐसा होता है इसमें से कोई ऐसा जानवर निकलता है वो साथ अंदर ले जाता है तो दूर खड़े रहिएगा जरा बोल जा सिम सिम इतनी हल्के जोर से बोले यार बोल जा सिम सिम जाए जाके पोटली ले आए आप सांप भी अंदर देख के जाइए सामने जाइए ये लाए जी पोटली नंबर 7 क्या लगता है आपको क्या होगा इसमें गाड़ी होगी इसमें नहीं, मतलब गाड़ियां हम ऐसी हर प्रोग्राम में 3-4 ऐसी बढ़ते रहेंगे हम गाड़ियां आपने तो कहा था गाड़ियां इसमें नहीं मैंने ये नहीं कहा मैंने आपसे मैंने क्या कहा था आप लोगों से स्टार्ट में गाड़ियां भी हैं बाइक भी हैं और पोटली खाली भी हो सकती है यू नेवर नो आज आपकी बर्थडे है ना तो इसलिए खाली नहीं होगी टेबल लाना जी बताइए लाओ तो नहीं क्या लगता है आपको क्या है ये बाइक होगी तो तुम्हें एक बाइक दूंगा अंकल क्या लगता है आपको खाली भी हो सकता है नसीब अपना अपना ऑफर करूं मैं आपको आप क्या काम करते हैं टायर का टायरों का काम करता हूं ना इसलिए गाड़ी अच्छी लगती है मुझे
चलें आप दोनों के लिए, क्योंकि आप लोग कपल हैं, 2 लाख कैश ले लें। नहीं, 2 लाख कैश और ज्वेलरी भी बोली है मैंने, 1 ज्वेलरी बॉक्स। अरे लेकिन हो सकता है गाड़ी हो ही ना फिर। नसीब, नसीब है हमारा फिर। चले 2 ज्वेलरी के सेट। नहीं भाभी आप समझाइए, 2 ज्वेलरी के सेट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाऊंगा। अच्छा आप घर से कैसे आए, गाड़ी में आए, बाइक में आए, कैसे आए? बाइक पे आया। बाइक पे आए यार, इनको एक बाइक भी दो। बाइक तो है, ऑलरेडी है मेरे पास बाइक। मैं आपको एक ऑफर और दे रहा हूँ ना, एक बाइक हो गई, बाइक ला के रखो यार, 2 लाख कैश, 2 ज्वेलरी के सेट्स। बढ़ाऊँ ऑफर? चले सीरीन एयरलाइन के टिकट्स भी देता हूँ आपको, पाकिस्तान के किसी भी शहर में ट्रैवल करने के लिए। लेकर आइए, दोनों कपल के लिए लेकर आइए। अब देखे नहीं सारे बड़े बड़े गिफ्ट दे तो रहे हैं आपको। अच्छा नहीं, एक रिस्ट वॉच भी दे दो, ले आओ। ये रिबेल की रिस्ट वॉच है, वर्थ ₹25,000। आप मुझे वही दे दो। उसमें क्या है? मैं अपने लक आजमाना चाहता हूँ ना, मेरा लक क्या कहता है। अच्छा फाइनल 5 लाख कैश देता हूँ और ये सारी चीजें, आखिरी ऑफर है, इसके बाद ऑफर नहीं दूंगा। नहीं, एक एलईडी लाओ यार, एलईडी लाओ। एलईडी हैगी? संडे जो है ना वो आज खत्म हो गया भाई, कल मंडे, तेज हो जाओ। शाबाश, ये 50,000 की एलईडी भी कर दी आपको, बताइए आई स्टैक की एलईडी है। अब तो ले लो आप, ये सब रखो, कार रखो, मुझे गाड़ी दे दो, मैं चले जाता हूँ। यार लकी क्या करें यार, कोई गाना बनता है इनकी सिचुएशन पे? मैं तो इनको कहूँगा कि ले ले। देखा, और लकी जब बोलता है ना कि ये ऑफर ले लो, इसका मतलब होता है कि ले लेनी चाहिए। मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम्हें गाड़ी चाहिए? जी। इनको गाड़ी चाहिए? ये कह रहे हैं इनको गाड़ी चाहिए। यार BTL की गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी दो इन्हें यार, ले आओ सामान उठा लो। मेरे वेट के हिसाब से सूट नहीं करती। तुमने कहा था गाड़ी चाहिए, मुझे ये नहीं कहा था कि कौन सी गाड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए छोटी चाहिए। ये गाड़ी आ गई तुम्हारे पास, 5 लाख, गाड़ी भी आ गई, बाइक भी आ गई, LED भी आ गई, ज्वेलरी भी आ गई, जो जो उसमें वो चाहिए। श्योर? डराओ नहीं, खोल दो। मैं डरा तो नहीं रहा हूं। अच्छा आप लोग बताएं क्या है मेरे पास। कुछ नहीं है ना? जनाब आपको नहीं चाहिए सब कुछ? नहीं। ऑफर कैंसिल? जी। मैं अब दिखा दूं कि आपका क्या निकला? जी दिखा दें, कुछ अच्छा ही दिखाना। हाँ समझाओ कुछ। समझाओ, सब आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा। ये
फाइनल कॉल यही है। ठीक है, मैंने इनको डील दी थी 5 लाख कैश, एक एलईडी, 2 ज्वेलरी सेट, एक रिस्ट वॉच, एक बीटीएल की गाड़ी, एक बाइक, सेरीन एयर के टिकट। इन्होंने कहा कि इनको नहीं चाहिए। इंतजार की घड़ियां खत्म होते जा रही हैं। ठीक है भाई, अब इनकी मर्जी है। आपके सामने सारी चीजें ऑफर की हमने, नहीं माने आप दे दो, जो नसीब में होगा मेरा नसीब है। ठीक है, तो इनके नसीब में जो है वो मेरे दिल के करीब है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे आई मस्त से बहुत ढीठ रहे हैं, वरना 5 लाख कैश, इतनी सारी चीजें रख दी यार, इन्होंने बोला ही नहीं। नहीं, आपके नसीब की थी गाड़ी। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है हमारे पास? स्लो है यार, क्या क्वेश्चंस करने आऊं दोबारा? लो 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 लो, यहां से शोर आएगा वही आऊंगा। हैश ज्वेलरी के लिए आप देंगी? माइक लाइए। क्या नाम है आपका? जरीन। जरीन, वो कौन सा ड्राइवर है जिसका कोई लाइसेंस नहीं होता? एक ऐसा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता। पहले सारे बैठ जाए जाके सीट पे। अच्छा, आप देंगे जवाब? माइक दीजिए इन्हें। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए माइक में, माइक में। शुएब। शुएब, आप किचन में हैं, आपके हाथ से अंडा छूटकर टाइल्स पर गिरेगा तो टूट जाएगा क्या? ऐसी बात है, अंडा टूट जाएगा। अंडा गिरने से टाइल कैसे टूटेगा यार? टाइल दे लो यार। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन देगा जवाब? आप देंगी? उन्हें माइक दे, इसको पाकुला दो, जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? ये सिंपल आईक्यू के क्वेश्चन है, डायनासोर मत बोलिएगा, सिंपल आईक्यू है। वो ऐसा कौन सा जानवर है, दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? बंदर? नहीं, बंदर क्यों पुराना जानवर है? जराफा, जराफा। आप देंगे जवाब? लाइए दीजिए जरीन, थैंक यू वेरी मच। सर, गेंडा। गेंडा सबसे पुराना जानवर है? जी सर। क्यों गेंडा, क्या पुराना क्यों है वो? बस ऐसी पुराना है, मोटा भी है, पुराना भी है। मोटा इसलिए पुराना है? हाँ, इसलिए पुराना। या पुराना इसलिए मोटा है? नहीं नहीं, पुराना इसलिए मोटा है, इसलिए पुराना। नहीं, गलत है ये, सिंपल है क्योंकि। अच्छा, बैठ जाए, सब बैठ जाए, पहले मैं लेता हूँ, प्लीज सब बैठ जाए, सब बैठ जाइए। अच्छा, वहाँ आ रहा हूँ मैं, जगह दीजिएगा, जगह दीजिएगा, जगह दीजिएगा। माइक दो, माइक दो, माइक दो। क्या नाम है आपका? इनको माइक दो। रुखसार। रुखसार, रुखसार, दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? डायनासोर। डायनासोर नहीं,
बताइए कौन सा है जो आजकल जानवर होते हैं उसमें दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? जी बनमानस। क्यों इनको माइक दे, क्यों सबसे पुराना जानवर है? क्यों है? क्योंकि वो आज भी ब्लैक एंड व्हाइट है। गिफ्ट दीजिए इनको, ज़ेब्रा राइट आंसर है। एस ज्वेलर की ज्वेलरी दीजिए इन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम। आप इतना सीरियस क्यों हैं? खेलने ही आए ना आप लोग, घबरा रही? अरे आंटी घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना आपके लिए। ये लीजिए, इनके डांस कर रहे थे। माइक दीजिए, माइक दीजिए। आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? आरफा। आरफा आंटी आपका नाम क्या है? आजरा। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। आप इतनी डल क्यों है मुझे पहले ही पता है, डल क्यों है आप? एक तो आप पोटली खेल रहे, हो सकता है आपकी पराठो निकल आए, हो सकता है बाइक निकल आए, गाड़ी निकल आए, तो खुश होना चाहिए है ना। बताइए कौन सा नंबर? 9th। जाइए, कैसे खोलेंगे आप? बोल जा सिम सिम, थोड़ा दूर हटके, एकदम से वहां डायनासोर निकल आता है। मजाक करो, जाइए। बोल जा सिम सिम, इतनी हल्के से नहीं खुलता, करीब जाइए। बोल जा सिम सिम, अंदर जाइए, जल्दी वापस आइएगा, ये बंद हो जाता है वरना। अगर मैं ऐसे देखूं तो नंबर 6 है, ऐसे देखूं तो नंबर 9 है, वैसे ही नंबर 9 है। अच्छा क्यों नंबर 9 क्यों चूज किया आपने? माय फेवरेट। आपका फेवरेट नंबर है? yes. नंबर 9। ऐसा क्या है नंबर 9 में? ये लो जी, अभी ये गाड़ी निकली है, इसमें भी गाड़ी होगी इंशाल्लाह। खाली हो सकता है ये? अच्छा ही होगा, जो भी होगा। खाली भी हो तो अच्छा होगा। नहीं नहीं खाली नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, खाली भी हो सकता, बाइक भी हो सकती है, केक भी हो सकता है। ऑफर दूं आपको? ऑफर्स आप बताएं, ऑफर्स इसको देखते हुए दूंगा। 50,000 कैश ले लें आप, तो बहुत कम है। अच्छा अगर इसमें मोबाइल हो 14,000 का, फिर उसके हिसाब से तो ज्यादा है ना। नहीं हमें यही चाहिए, मम्मी ने भी बोल दी। अब तो 50,000 कैश दे रहा हूँ, हो सकता है इससे मोबाइल हो 14,000 का, फिर नहीं, बाइक भी हो सकती है। ऑफर्स बढ़ाए ना थोड़ी। अच्छा तुम बाइक चलाओगी? ये ड्यू कॉस्मेटिक की स्कूटी लेकर आई है। चले इसके साथ मैं आपको 1,00,000 रुपए कैश देता हूं। नहीं। आंटी आपके लिए एक ज्वेलरी सेट देता हूं, ज्वेलरी सेट लाओ या खोल के आंटी के सामने रखो। वही चाहिए जो कार्ड में जो कार्ड में है वही चाहिए। यार एक और ज्वेलरी सेट लाओ, दोनों को एक एक ज्वेलरी देता हूं ताकि आप लोग लड़े नहीं कर जाके। हैश ज्वेलर्स की ज्वेलरी है ये। पोर्टली घूमने जाएंगे आप? श्रीनगर एयरलाइन का टिकट दूं आपको दोनों के लिए एक एक? नहीं नहीं पोर्ट रिटर्न टिकट चले। लाओ भाई ला के रखो सामने, चलो एलईडी भी ले आओ।
आइस टैग की, आइस टैग की ले आओ। अब ये आइस टैग की एलईडी हो गई 50,000 की, दो टिकट्स हो गए आपके रिटर्न, एक स्कूटी हो गई, चले 2 लाख रुपए कैश आपको। अब तो डेफिनेटली पोटली। क्यों? देखो अब तो डेफिनेटली पोटली। यार ये लोग समझते नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि हर कार्ड के अंदर गाड़ी ही हो। बिल्कुल यही सोचना है ना, इतनी ऑफर्स बढ़ रही है। ठीक है मेरी बर्थडे है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे ही बांटते रहेंगे यार। इसमें गाड़ी है, और अगर नहीं हुई सिर्फ मोबाइल फोन भी हो सकता है। चले जो सही बताएगा मैं उसको एक रिस्ट वॉच दूंगा। कार है इसमें, मोबाइल, कार, मोबाइल, बाइक, नहीं एक मिनट। ठीक है। ये दूसरा कार्ड और आपने दूसरी बार बोला है बाइक, क्या हम बाइक ही देते हैं? मतलब और कुछ क्यों नहीं आ रहा? आप खड़ी इनको इनको माइक दीजिए, जाके माइक दे। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या नाम है आपका? महवेश। महवेश दो बार आपने मुझे बोला, दोनों बार बोला बाइक। क्यों? क्या पता बाइक हो, मतलब बाइक ही क्यों हो? दूसरे गार्ड में बोल देती एक दफा गाड़ी निकली थी कि नहीं, हो सकता है इसमें भी गाड़ी हो। और ये दोबारा इसके दिखाइएगा, माइक माइक में ऐसी है। यार इनको एक ज्वेलरी सेट दो यार, जाओ हैश ज्वेलर की ज्वेलरी, आपको मुबारक हो महवेश, थैंक यू, वर्थ ₹30,000। क्या सोचा आंटी? जो पोटली में मैं आपको 3 लाख कैश देता हूँ, 3 लाख कैश और ये सारी चीजें। घर में कौन कौन है आपके? अब्बू हैं। अब्बू हैं जी। एक बाइक भी लाओ यार, एक बाइक भी हो गई, स्कूटी तुम्हारे लिए, बाइक अब्बू के लिए। जो पोटली में है वो चाहिए। आंटी अगर कुछ भी नहीं हुआ पोटली में फिर? नहीं ऐसा तो नहीं सकता, कुछ तो है जो पोटली में वो चाहिए। अकॉर्डिंग टू महवेश पोटली में बाइक है। आपका नाम? मोबाइल है, मोबाइल है। सब कह रहे हैं मोबाइल है, पर किसी को कुछ नहीं पता। हाँ पता किसी को कुछ नहीं है, जो पोटली में है वही चाहिए, यही चाहिए। चले एक मिनट, अब मैं इनको एक ऐसी ऑफर देने वाला हूँ जो अभी तक मैंने किसी को नहीं दी है। 3 लाख कैश बोला ना मैंने आपको, मैं आपको डबल कैश देता हूँ, 6 लाख रुपए। 3 लाख दोनों के लिए ले लो, 6 लाख कैश, ज्वेलरी सेट, एक बाइक, एक स्कूटी, एलईडी, रिटर्न टिकट। आप लोग जिद पकड़ लेते हैं। पोटली ही चाहिए। मुझे लग रहा है आंटी थोड़ी परेशान हो रही है, इनको पाकोला खोल के दो, अभी अभी बुलाओ इनको। आंटी आप पाकोला पिए फिर सोचे। भाई सब कह रहे हैं कि मोबाइल है, आप लोगों को कैसे पता? गाड़ी है, मोबाइल है। जो पोटली में। मैंने भी कितनी ऑफर की थी आपको? 6 लाख। 6 लाख इस ऑफर को भी डबल करता हूं, 12 लाख।
12 लाख कैश और ये सारी चीजें। गाड़ी 12 लाख कैश और ये सारी चीजें। पोटली 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 बोलो। अच्छा अब जो मैं आपको देने वाला हूँ वो मैंने किसी को नहीं दिया है, बताइए क्या? मुगलिया की वॉशिंग मशीन ला के रखो यार यहाँ पे। आंटी 12 लाख कैश अभी के अभी आप साथ लेकर जाएंगे। नहीं चाहिए। पोटली। हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो। नहीं नहीं इंशाल्लाह कुछ होगा, उम्मीद है। ₹1.2 million इतनी आसानी से तो नहीं आते ना यार। 12 लाख कैश अभी के अभी। पोटली चाहिए। पोटली। चले अले नोरा का पार्टी मेकअप देता हूं आपको वर्थ ₹25,000। यार दोनों के लिए ला दो, दो अलग अलग ले आओ। या गार्ड रख दीजिए। अब तो जगह खत्म हो गई और क्या दूं लूं मैं। खाली है ना? देखिए क्या कह रहे हो, खाली है। देखिए एज ए होस्ट मेरा काम है ब्लफ देना, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं हेल्प भी कर रहा हूं। हो सकता है कि इसमें गाड़ी हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो, हो सकता है इसमें मैंने शुरू में कहा था कि 14,000 का मोबाइल फोन हो, तो 14,000 ज्यादा होते हैं या 12 लाख? पोटली चाहिए। पोटली। आंटी आप तो बिल्कुल सोच कर आई हुई कि पोटली ही चाहिए। सोच कर आए नहीं थे पर यहाँ आके माइंड चेंज हो गया पोटली का रिजल्ट देख के। ऑफर बढ़ाऊं? मैं आपको 14 लाख कैश देता हूं। आंटी ले लें 14 लाख कैश और ये सारी चीजें। ठीक है भाई सारे नाम वापस रख दो। पोटली। फाइनल कॉल, पोटली ही चाहिए। यस। सब वापस चला जाएगा। हाँ। और 14,000 का मोबाइल निकल आया फिर बस आप अल्लाह का नाम लेकर खोल दें नंबर। तुम क्या करती हो बेटा? पढ़ती हो? तुम करती क्या हो? इंटर किया है। इंटर किया है। यस। आगे क्या ड्रीम्स है, क्या करना है, क्या बनना है? फिलहाल तो एंगेज हुई है, अब देखें क्या होता है। अच्छा जी। किससे एंगेज हो गई? कजन है। आपके कजन? चले अल्लाह खुश रखे आपको। मैंने इनको ऑफर दी 14 लाख कैश, 2 बाइक्स, 2 ज्वेलरी सेट, सेरीन एयर के टिकट्स, एलेनोरा का मेकअप और एक एलईडी। आंटी ने कहा नहीं चाहिए। बड़ी सीरियस आंटी है, दूसरी कोई बात सोच ही नहीं रही है।
ये चाहती है कि ये यहाँ से गाड़ी में बैठ के घर वापस जाए। नहीं, लेकिन अगर मोबाइल हुआ तो मोबाइल फोन पे बात करते हुए जाएंगी क्या? आंटी फाइनल खोल दूँ ये? बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। तालियां होनी चाहिए बहुत सारे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी आप जरा सा भी नहीं पिकले। आपको किसी ने बता तो नहीं दिया था कि इसमें गाड़ी है? बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। वाकई गाड़ी में वापस जाएंगे भाई ये लोग तो। बहुत मुबारक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बोल स्क्रैच कार्ड किस किस ने खरीदा हुआ है? आई एम श्योर आप सबने लिया हुआ होगा, जिसकी कीमत होती है 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए। उस पर हम देते हैं 80% डिस्काउंट अपने ब्रांड पे। आप जब भी शॉपिंग करने जाएंगे उस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। बट हम कुरानदाजी के जरिए कुछ लोगों को निकालते हैं उसमें। पूरे पाकिस्तान से 3 होते हैं और यहाँ बैठे हुए भी कुछ लोग होंगे, उनको हम गाड़ी देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे गाड़ियाँ हमारे पास शायद मुफ्त हैं, ऐसे ही बांटते रहते हैं। लेकिन हम वाकई, कल भी हमारी एपिसोड में 2 लोगों की गाड़ी निकली है, तो अभी देखते हैं। नंबर दिखाइए भाई। 3, 2, 1 स्टॉप। 8267208982 किसका है? ये वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान से खेल रहे हैं, यहाँ ये नंबर नहीं हो सकता। आप लोगों की कुरानदाजी मैं लास्ट सेगमेंट में करूंगा, यहां से भी कोई एक गाड़ी जीत के जाएगा। 3, 2, 1 स्टॉप। 8249141526 ये किसका है? अच्छा, ये यहां से ये निकले और ये दरवाजा यहां से जाता है सीधा। 3, 2, 1 स्टॉप। E12176347 14। ये 3 खुश नसीब वो हैं जो पूरे पाकिस्तान में से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनमें से किसी एक को गाड़ी मिलेगी। हम इनसे क्या अभी बात करेंगे फोन पे? हाँ, ये है कौन कौन रोड। चलिए, जितनी देर में आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चंस कर लूँ आप लोगों से। अच्छा, ये तो मेरा ही नाम आ गया, दानिश। दानिश जी लाहौर से, उसामा है कराची से और महद है हैदराबाद से। नहीं, पहले क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, कौन खेलेगा मेरे साथ? आ जाओ। क्या नाम है आपका? सना। सना, एक आदमी रोज बैंक के सामने सो जाता था, क्या होता था? एक आदमी रोज बैंक के सामने सो जाता था, बताएं क्यों? वो उसका घर नहीं होगा इसलिए। नहीं, और भी कोई रीजन हो सकती है। सो जाता था बैंक के सामने, चौकीदार था। क्योंकि यहाँ सोने पर लोन मिलता है, बैंक के सामने सोने पर लोन मिलता है। अच्छा, मैं भी, तुम खड़ी हो जाओ। एक बंदर, गिलहरी और चिड़िया में रेस हो रही थी नारियल के दरख्त के टॉप पे जाने के लिए। अब कौन पहले केला तोड़ के लाएगा, बंदर, गिलहरी या चिड़िया? बंदर। माइक ले लो।
माइक दो। एक बंदर, गिलहरी और चिड़िया में रेस हो रही थी नारियल की दरख्त के टॉप पे जाने के लिए। अब कौन पहले केला तोड़ के लाएगा, बंदर, गिलहरी या चिड़िया? चिड़िया। माइक दो। गौर से सुनिएगा। एक बंदर, गिलहरी और चिड़िया में रेस हो रही थी नारियल के दरख्त के टॉप पे जाने के लिए। अब कौन पहले केला तोड़ के लाएगा, बंदर, गिलहरी या चिड़िया? पहली चीज तो ये दानिश भाई के नारियल के दरख्त से केला कैसे कैसे तोड़ेगा? इनको दीजिए है ज्वेलर्स। थोड़ा सा आई क्यू लेवल आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। खैर कोई नहीं, मैं हूं ना, अच्छा कर दूंगा। आप देंगे जवाब? माइक दीजिए। अच्छा चले, मैंने एक सवाल पहले पूछा था उसका जवाब दीजिए। इजी सा। वो कौन सा आदमी है जिसके सामने हर बड़ा आदमी सर झुकाता है? लंबा आदमी। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाता है वैसे तो। मैंने कहा वो कौन सा आदमी है जिसके सामने हर आदमी सर झुकाता है? वो आदमी है। हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर। है ज्वेलर की ज्वेलरी दीजिए इन्हें। कौन लाइन पे बुलाइए, मैं अभी आता हूं आपके पास। जी मेरा हम नाम लाइन पे, एक मिनट। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? दानिश बात कर रहा हूँ। दानिश तो मेरा नाम है। दानिश मेरा नाम भी है सर, क्या करें? क्या मैंने मैंने क्या कहा आपसे कि क्या करें? मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने कहा मैं भी दानिश बात कर रहा हूँ। वो तो सर मेरे को मालूम है कि आप भी दानिश बात कर रहे हो। अच्छा, दानिश लाहौर में रहते हैं आप? जी सर। अच्छा, आपने स्क्रैच कार्ड लिया था बोल का? जी सर, मैंने कार्ड लिया था। किसको कार्ड लिया था जी? मैंने कहा आपने कार्ड खरीदा था, आप कह रहे मैंने कार्ड लिया था। कहने का मतलब है कार्ड लिया था, चलते फिरते दोस्तों यारों से मैंने लिया था तफरी में। तफरी में कार्ड ले लिया आपने, क्या सोचा था उस वक्त? जब आपका जहन क्या कह रहा था, मैं कार्ड लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? ये तो मैंने नहीं सोचा था कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, बस वैसे ही ले लिया भाई। ये दोस्त यार वो बोले यार इनाम इनाम निकल जाएगा तो क्या बोलते हैं, अगर आपका यानी इनाम निकलता है तो आप वो दोस्त को दे देंगे भाई? आपने अपने दोस्तों यारों के कहने पे लिया है ना ये? जी सर। अगर आपका कोई इनाम निकलता है तो फिर आप अपने दोस्तों यारों को दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी निकलती है या उतना ही कैश निकल आता है 8-10 लाख रुपए, तो आप दोस्तों से कहेंगे ये लो यार, ये तुम लोगों की वजह से निकला, राइट? दोस्तों यारों को दे क्या सकते हैं, साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जीत जाएंगे तो शेयर कर सकते हैं। लिया आपने दोस्तों की वजह से था, ये कैसे दोस्त है भाई? सर कहने का मतलब है शेयर तो कर रहे हैं, अगर हम दिल पर ये बोल दूंगे मैं नहीं देता तो ये गलत बात हो जाएगी। अच्छा, आप शेयर कर लेंगे, थोड़ा बहुत दे दिया, 5 रुपए दे दिए, किसी को खाना खिलाने चले गए? नहीं, ये खाना खाने तो अमूमन जाते रहते हैं। अच्छा, अमूमन जाते रहते हैं। अच्छा, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में से, 3 लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, यू आर वन ऑफ देम। आखिर में कुरान दादी होगी, उसमें से किसी एक की गाड़ी निकलेगी। अगर ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी निकलती है तो मैं आपको दोबारा कॉल बैक करूंगा। सोइएगा नहीं, जब तक सोइएगा नहीं। ओके सर, ओके। खाना भी नहीं खाइएगा, सांस भी नहीं लीजिएगा। अच्छा ये बताओ, गाड़ी निकल गई तो क्या करोगे? गाड़ी निकल गई तो क्या करेंगे? सोच रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि करेंगे क्या गाड़ी निकल तो इसका गई मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या करना है गाड़ी निकल गई तो। अरे अब एक गाड़ी और दोस्त चार, तो ये तो नैन छापी हो जाएगी ना सर। एक कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त हैं तो सर। मतलब घर वालों का सोचा ही नहीं कि अम्मा अब्बा हैं घर में, भाई बहन है, मेरे दोस्त हैं, तुमने गाड़ी लेनी है कि मैं गाड़ी लूं और बाहर निकल जाया करूं दोस्तों के साथ, कभी यहां खाने कभी वहां खाने, ये रीजन है? जी सर। अच्छा तुम कोई अच्छा सा रीजन सोचो, जब तक मैं किसी दूसरे से बात करता हूँ। थैंक यू दानिश, दूसरी कॉल लगाइएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उसामा? जी सर, उसामा बात कर रहा हूँ कराची। अच्छा, कैसे हैं उसामा आप?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी लग रही है कराची में? सर हाँ, मौसम अच्छा हो गया है। हाँ अच्छा, शुक्र है आपने नहीं बोला कि नहीं बहुत ठंड हो रही है, वरना कराची वाले अक्सर जैसे ही थोड़ी सी सर्दी पड़ती है, आज तो बहुत ठंड है यार। नहीं नहीं सर, बहुत मेरे दोस्त जो है हम जहाँ रात में बैठते हैं, अब अक्सर ऐसा होता है कि बीच में टेम्परेचर जो था वो 12 और 13 तक पहुँच गया, तो यार हाँ कितने बजे तक यार आज नहीं आ रहा मैं, क्यों यार बहुत ठंड है यार, यार आज बहुत ठंड है यार। अच्छा तो दानिश सॉरी उसामा आपने बोल का स्क्रैच कार्ड लिया था? जी सर मैंने कार्ड लिया था बोल। उस वक्त जहन में क्या चल रहा था तुम्हारे? सर बस मुझे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा मेरे लिए हो जाए, मैं कुछ बड़ा इनाम जीत लूँ। असल में मुझे अपनी स्टडीज को कम्प्लीट करना है, तो इसलिए मैंने कहा। क्या पढ़ रहे हो तुम? सर मैं अभी इंटर में हूँ, और मैं चाह रहा था कि मतलब मेरी कोई स्कॉलरशिप निकल जाए। नहीं वो हम क्या बोल वाले स्कॉलरशिप भी देते भाई क्या? नहीं सर, अगर कोई अमाउंट निकल जाए अच्छा, या कोई अच्छी चीज निकल जाए तो उसको तुम पढ़ाई में यूटिलाइज कर लो। जी सर, जी सर। अच्छा चलो अच्छी बात है यार, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, देखते हैं। पूरे पाकिस्तान से 3 लोग हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनमें से किसी एक की गाड़ी या दूसरे इनामात निकल रहे हैं वो हम आपको आखिर में बताएंगे। थैंक यू उसामा, राइट? आई एम रियली बैड विद द नेम्स बाय द वे। तीसरी कॉल मिलाइएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महद कौन? कौन? मैं सलमान खान बोल रहा हूँ। सलमान खान भाई, दानिश तैमूर बोल रहा हूँ यार। अच्छा महद ये बताओ, महद का मतलब क्या होता है? महद का मतलब होता है सर हिदायत देने वाला। हिदायत देने वाला, नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, बड़ा यूनिक है। आप में से किसी का नाम महद है भाई? क्या सो रहे हैं सब? अपने लिए एक दफा तालियां बजा दे। वैसे ये तालियां आप लोगों के सोने पर है, जाग जाएं, जाग जाएं। अच्छा बहुत, आपने स्क्रैच कार्ड यकीनन खरीदा था? जी सर। क्यों खरीदा था? सर ऐसे ही मैं नहीं सर, प्राइवेट टैक्सी चलाता हूँ मैं, शायद कुछ इनाम मिल जाए मुझे भी। क्या प्राइवेट व्हाट? सर टैक्सी चलाते, प्राइवेट टैक्सी चलाते। अच्छा अच्छा, तो अगर तुम्हारी गाड़ी निकल आती है तो फिर क्या करोगे? सर मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे अखराजात पूरे हो जाएंगे। नहीं वो तो हो जाएंगे, घूमने कहाँ कहाँ जाओगे? तुम ऑलरेडी टैक्सी चलाते हो, तुम्हारे पास गाड़ी तो है, तुम्हें जहाँ घूमने जाना होता है वहाँ तुम चले जाते होगे? नहीं सर। फिर सर जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाना पड़ता है, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते। तो जब गाड़ी आ जाएगी तो तुम अपनी मर्जी से जाना आना शुरू कर दोगे? जी सर। घर में कौन कौन है? सर बहने आएंगी 3, वालिद है और वालदा। अच्छा अच्छा, चलो लेट्स सी, आखिर में देखते हैं कि गाड़ी किसकी निकलती है, कुरानदाजी होगी और एंड में किसी एक की गाड़ी निकलेगी। थैंक यू महद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, वो तीसरी फैमिली थी पोटली की, वो कहाँ है? अच्छा वो चली गई। अरे नाराज हो गए थे क्या? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, माइक दीजिए इन्हें। वालेकुम सलाम बेटा, क्या नाम है अंकल आपका? मुशर्रफ अली। मुशर्रफ अली, आप लोग रेडी है? जी। आप लोग रेडी है? जी। आप सब भी रेडी है? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं और इनके साथ खेलते हैं पोटली गेम शो ऐसे चलेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा। एक नया अंदाज मिलेगा, एक नया अंदाज मिलेगा, खुशियों का एक राज खुलेगा, वेलकम बैक, वेलकम बैक जी। आप रेडी हैं? माइक दीजिए इन्हें। जी सर। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं?
प्राइवेट जेट पर। तो यहाँ से क्या जीतने आए आज आप? यहाँ से इंशाल्लाह गाड़ी जीतेंगे। तो सभी गाड़ी जीतेंगे यार, यहाँ सब गाड़ी के लिए खेलने आते हैं। कोई नहीं बोलता आगे यार, आज मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं। सुना है बोल वाले गाड़ियाँ दे रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह हम भी गाड़ी लेने हैं। अल्लाह करे, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आपकी किस्मत। लेकिन कोई ये नहीं बोलता यार, चलो दूसरों की गाड़ी निकल जाए यार, मैं आज बाइक लेके चला जाऊँगा। चलो कोई नहीं यार, मुझे LED दे दो, मैं LED ले जाऊँगा। सब आते नहीं, गाड़ी लेके जानी है यहाँ से सब ने। इंशाल्लाह जो नसीब में चले। आइए, दरवाज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या बोलेंगे आप, माइक बताइए। बोल जा सिम सिम, और जल्दी जाके जल्दी वापस आइएगा, ऐसा ना हो अंदर पकड़ लेता कोई। बोल जा सिम सिम। आ जाइए नंबर 3। ठीक है, चले बगैर खोले मैं इनको एक ऑफर करता हूं। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या है। ये मैंने यहां रख दी, देखा भी नहीं इसमें क्या है, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। मैं आप लोगों को 2 लाख रुपए कैश देता हूं, 4 लाख कैश। आप बताइए अंकल, 4 लाख कम है सर, ऑफर बढ़ाए। ऑफर तो नहीं बढ़ा रहा मैं, पहले देख लेता हूं कि अब इसमें क्या है। अच्छा, मीनवाइल मुझे 3 कपल्स चाहिए स्केच बनाने के लिए। इस गेम का नाम है ये क्या कर दिया। कौन कौन है ऐसा जिसकी ड्राइंग अच्छी है। डैन पार्क की मोटर बाइक के लिए खेलूंगा, आ जाएं आप दोनों, आ जाइए। 3 फैमिलीज चाहिए मुझे। आ जाएं आप लोग, आ जाएं। फैमिली फैमिली चाहिए मुझे। आप कैसे बैठ गए, आपने स्केच बनाना है भाभी का। क्या क्या हो गया आप बैठ जाइए भाई, मजाक कर रहा हूँ, बैठ जाइए। आ जाइए आप भी बैठ जाइए। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, अपनी अपनी वाइफ का बनाना है, दूसरों के लिए बना दीजिएगा। चले जब तक ये स्केच बनाते हैं हम पोल्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या है इसमें, माइक दीजिए। शायद गाड़ी है। 4 लाख की ऑफर देके आपको 2 लाख की ऑफर दे रहा हूं। पोर्टली चाहिए इनको, अभी भी पोर्टली चाहिए भाई। क्या कहते हैं आप लोग, मैंने ऑफर वापस ली है, 4 लाख की और 2 लाख की ऑफर दी है इन्हें। मैं इनको 10 लाख रुपए की ऑफर देता हूं। Hello. 10 लाख रुपए कैश अभी के अभी। डिस्कस कर ले अंकल, पोर्टली। अच्छा आप क्यों कह रहे हैं, पोर्टली क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अभी 2 लोगों की गाड़ी निकली है। बिल्कुल नसीब की नसीब हमारे है। हो सकता है हमारी भी गाड़ी हो जब 2 निकल गई तो। और हो सकता है कि इसमें क्या हो। फिर वो हमारा लक है ना, जो भी हो। कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताने की, 10 लाख कैश कम नहीं होता है। टोटली मैं आपको 13 लाख रुपए देता हूँ।
13 लाख नेट। आवाम क्या बोलती है? पोटली वो कह रहे कि ले ले 13 लाख कैश। पोटली आप बैठे, इनको बिठाइए जाके, आप सोचिए इतनी देर में मैं गेम खेल लूं। इनको बिठाइए, अंकल आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। ये कार्ड यहाँ आ गया, इसके ऊपर कुछ रखो। मुझे चाहिए कुछ लोग, इस गेम का नाम है अभी तो मैं जवान हूं। कौन कौन ऐसे है जो डांस कर सकता है? 5 लोग चाहिए मुझे। अच्छा ये रिबेल वॉच के लिए। आप कह रहे थे ना आपने आना है, आपने नहीं आना, आप आ जाए। ब्लू शर्ट व्हाइट वाले, व्हाइट अपर। आप नहीं, आप नहीं, आपके पीछे वाले आप। ये मैं आपको शर्त लगा के बता रहा हूँ, किसी और की तस्वीर बना रहे, आपकी नहीं बना रहे। ये कौन है भाई? ये जब से एक अंडा बना है, फर्स्ट टाइम। इसका शॉट ले सकता है कोई? कैमरा मंगाइए जरा प्लीज। ये जो स्कूल में जाने वाले बच्चे रेडी नहीं होते अपने यूनिफॉर्म पहन के, दो चुटियां बांध के। सर अभी ये क्या अभी? ये कोई और है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कौन है भाई? सर ये बचपन की तस्वीर है। आप बचपन में देखा था इनको आपने? जी हाँ, जब हम कजन से। अच्छा फिर ठीक है, फिर शायद ये ऐसी हो। जी वो उन्होंने पूरा मिटा दिया है, कुछ बनाया था गोल अंडा लेकिन मिटा दिया उन्होंने, कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ये कोई और खातून, ये इनको दिखाएं जरा, मैं बता रहा हूँ ये कोई और खातून नहीं है। ये है कौन? ये शादी से पहले हंसी थी कह रही है। हाँ ये तो इनको पता होगा, मुझे क्या पता, शादी से पहले वाली है ये। मैं ऐसी बातें हरगिज़ भी नहीं करता हूँ भाई, मैं खुद शादीशुदा आदमी हूँ। जी सही बदले ले रहे हो तुम लोग यार, ठीक है लगे रहो। हाँ जी रेडी आप लोग? रेडी आ जाए जी सारे डांसर्स, तालियां होनी चाहिए। एक एक करके आएंगे, एक एक करके आप लोग वही बुलाऊंगा। एक मिनट इनको माइक दीजिए पहले। क्या नाम है आपका? फहद। फहद नाम है जी। डांस कहीं सीखा है आपने? नहीं फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। और कैसा करेंगे? कमाल। नो आइडिया बस कर रहे हैं। आ गए, ये वो वाली मिसाल है कि किसी ने पकड़ के कुएं में फेंक दिया, आपको तैरना आता है नहीं, बस आ गया हूँ तो कर लूंगा मैं। चले जी रेडी, लकी रेडी, 1 2 3 गो। ओ खानम कुजा बेडी, ओ खानम कुजा बेडी, ओ खानम कुजा बेडी, ओ खानम कुजा बेडी, जिंदगी कहने लगी तू मेरा और मैं तेरी। ओ खानम मेरे दिल के तार बजे बार बार, किया तुझसे प्यार आजा, ना हो इंतजार रहूं बेकरार, किया तुझसे प्यार आजा। आगे आगे भी एक और है। आजा हुन ढोलना इधर दिल तोड़ना, इक मर जोगी तेरे बिना, साडा कलिया जी लगदा ही ना ढोलना, असा दीड़ा तेरे बिना डोलना, साडा कलिया लगदा ही ना डोलना, साडा दीना तेरे बिना डोलना, साडा कलिया जी लगना ही ना डोलना, असा दीना नी तेरे बिना डोलना डोलना। वो डांस करते में गुर्दे वहां गिर गए आपके, इतनी जोर से आप डांस कर रहे थे, मुझे लगा कोई ना कोई चीज टूट के ना गिर जाए। हमने रेसिंग लड़ने नहीं बुलाया भाई, डांस करना है। इन्होंने एंट्री ऐसी दी है तो ये रेसलर नहीं आते थे। नहीं,
क्या नाम है आपका? असद। असद, तो जिम शिम करते हो क्या? नहीं 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 नहीं, जिम कौन जाए जिम और मैं नहीं, डांस कर लेंगे भाई, डांस कर लेंगे, कमाल करेंगे, कमाल कमाल करेगा भाई असद। रेडी लगी, रेडी, 1 2 3 गो। हाँ हाँ, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डलारिया डलारिया डा, यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकार, ये है लारिया डलारिया डलारिया डा, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डलारिया डलारिया डा, मेरा तुझसे ऐसा बंधन है जैसे सुर से रिश्ता धड़कन का, जैसे धरती से नाता सावन का हो, अच्छे बने हैं मैं दिला बन दे हरियाले बने हैं मैं दिला बन दे, अच्छे बने हैं मैं दिला बन दे हरियाले बने हैं मैं दिला बन दे मैं दिला बन दे कैसा लगा? अच्छा, ये सब जो है लोग जो जितने भी आते हैं यहाँ डांसर्स, वो डांस करने के बाद पूछते मुझसे ऐसे कैसा लगा, कमाल कर दिया आपने, तो यह आग लगा दी डांस फ्लोर के ऊपर। क्या शादियों में बहुत डांस किया आपने? नहीं नहीं, कभी नहीं किया। तो फिर ये कैसे किया? बस टीवी देख के, मतलब जब जैसी टीवी ऑन होता था तुम डांस करना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, अकेले कमरे में बैठ के टीवी देख रहे डांस करना शुरू, घर वाले बेटा क्या कर रहे हो? बस वैसे ही डांस कर रहा था मैं, सांस फूल गई, पापुला बुलाओ इनको, थैंक यू वेरी मच। आइए जी नेक्स्ट, ये ऑरेंज कैप, ये तुम्हारे घर वाले आए हैं पीछे, माइक में, माइक में, कौन है ये लोग? हमारे घर वाले हैं। जोर से बोलो। घर वाले हैं, घर वाले, ये बात हुई ना, घर वाले हैं, बोलो यार। सही हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो डांस हो जाएगा भाई? जी बिल्कुल। कभी किया इससे पहले? नहीं, आज फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, आपकी बर्थडे की खुशी में। सारे कच्चे कच्चे पकड़े हैं भाई। चलो रेडी हो जाओ, लके 1 2 3 गो। एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान क्या नाम बताऊं, कहके अय्यो यो के अय्यो यो के अय्यो यो यो अय्यो यो। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे, दे सांता राजा मेरे बापर दा प्यारा, दे सांता राजा मेरे बापर दा प्यारा, इन्होंने तीनों गानों पर एक ही डांस किया, बताइए क्या ये? कुछ ये वाला स्टेप था एक, और जब स्लो गाना आया उसमें वो ये हो गया। अब ये मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैंने कैसा डांस किया। लाइए माइक, आइए आपको एडमिट बताते हैं। आइए जी नेक्स्ट, ओहो माइक दीजिए ना, माइक दीजिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। सॉरी, अब्दुल समद। अब्दुल समद जी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र है। खाना वाना खाया? जी खाना खा के आया। डांस हो जाएगा? अच्छा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। जैसे ही जीतने लगे तो ये कैप उतार के माइकल जैक्सन की तरह ये फेंक रहे हैं। ऐसा कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे जी, देखते हैं फिर कैसी कोशिश है आपकी। आपकी फैमिली आई है साथ? कौन है, कौन है जी, आप लोग हैं?
चले आज दिखाए इनको आप कैसा डांस करते। रेडी लकी वन टू थ्री गो। मन दी मौज विच हसना खिड़ना, मन दी मौज विच हसना खिड़ना, दिल दी रखना कमे कमे, मैं ना पर किसे दी मन्ना नी डोलना, मन दी जाननी चंदे किन्ने, मन दी मौज विच हसना। पानियों में चल रही है कश्ती, चल रही है हम किनारे पर नहीं है हो। किड़ 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 गण गणा गण गण गणा गण गिरा, किड़ 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 गण गणा गण गणा गण गिरा, मैं जो साडे नाल रवां ते तानू गादियां फिकरां मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार गादी गण गण गणा गणा मेरे नाल 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 मेरे मेरी तरफ देख भी कैसे रहे भाई जी, मेरी तरफ देख भी कैसे रहे हो तुम। चलो उन्होंने तो बेचारे ने पूछा, अभी यहाँ तुम जितनी जोर जोर से कूद रहे थे या कुआं बन जाता अभी नहीं बनेगा इंशाल्लाह। कौन सा डांस था ये, नया नाम है कोई, हमें पता नहीं है। पता नहीं, ये नवा डांस, ये नवा डांस है हमें पता नहीं है। खटक डांस था ये जी, कौन सा डांस था ये पता नहीं, इसको नीचे ही कर लो ना, अच्छे लग रहे हो। खुश हो जी ऐसा डांस करके, ऐसा डांस करके खुश हो तो? आपको आखिर में बताते हैं। यार एक बच्चा बहुत कूद रहा है, कहाँ है वो ब्लू वाला, लाओ नीचे आओ तुम, नीचे आओ, अभी देखो ये बच्चा डांस करके दिखाएगा। आराम से आ जाओ, अभी अभी करवाते, अभी तुम जाओ बुलाता हूँ मुझे। क्या नाम है? अरीब। अरीब के लिए बहुत सारी ताली हो जाए पहले। तुम्हें डांस करने का शौक है, कर लोगे? इन सबको दिखा रहा है तुमने कि डांस कैसा होता है, ठीक है? लकी रेडी वन टू थ्री गो। मैं जो साडे नाल रवां ते तानू गादियां फिकरां मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार गादी गण गण गणा, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार गादी गण गण गणा। गिड़ 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 लाल 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 गिड़ 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 लाल 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 गिड़ 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 गिड़। बहुत सारी तालियां, इसको साइकिल दो, वो डाटा की साइकिल जाएगी बच्चे के साथ। बाइक का क्या करेगा, इतना छोटा है बाइक यार। जाओ शाबाश। आइए जी नेक्स्ट आइए। हाँ जी वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक ठाक लग रहा है, कोई डांसर आया आज। उधर तो मुझे करें, मुझे क्या दिखा रहे हैं आप, लग रहा है कोई आया है आज। आपने कहा, मैंने कहा, कौन कौन आएगा? इन्होंने सबसे दो हाथ खड़े किए हुए थे इन्होंने, हाथ तो खड़ा कर दिए। आप करें ना डांस अगर कर दिया करो, माइक में बोले ना, मुझे थोड़ी सुनाना। करेंगे सर इंशा, करेंगे ना, ये बात होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आदिल नाम है। हाँ आदिल, आदिल साहब चलिए आइए। पहले एक मिनट आपकी मूछें दिखाएं जरा, इनको जरा ऊपर कर लें, ऊपर होती नहीं है, ग्रेविटी इतनी जोर से खींच रही है इनकी मूछें, वो ऊपर होती नहीं है मूछें। चले आइए, रेडी लकी वन टू थ्री गो। काला शा काला मेरा काला है दिल दार, ते गोरियां नु परां करो, ते गोरियां नु परां करो, मैं आप दिले दीदार, ते गोरियां नु परां करो। काला शा काला मेरा काला है दिल दार, ते गोरियां नु, ते गोरियां नु परां करो। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है जैसे सुर से रिश्ता धड़कन का, जैसे धरती
से नाता सावन का हो वे सोने दिया कंगना सौदाई को दिया दिल देना ते दिल मंगना में सौदाई को दिया दिल देना ते दिल मंगना माइक दे नीचे कौन है कोई नहीं है इन्होंने शुरू यहाँ से किया ये गाना चेंज हो जाने लगे फिर क्या नीचे क्या है हंसने की बात थोड़ी अच्छा वो यस ग्रेविटी इनको ग्रेविटी इतनी जोर से खींच रही है मुझे भी नीचे खुद भी नीचे थैंक यू वेरी मच अभी आपको बताते वैसे बताएगा कौन इनको कि कौन जीता है पांचों को बुलाइए भाई ऑडियंस डिसाइड करेगी आ जाए जी सब आ जाए आइए 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 अच्छा जी एक मिनट ये घर से अपने तमाशाई साथ लेकर आए कि मैं अच्छा करूं बुरा करूं जीत के मैं ही जाऊं हाँ जी जिनके ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छा आगे तो आओ तो मैं कह रहा हूँ जिनके ख्याल में इन्होंने कड़क आगे आओ ना यार जिनके ख्याल में ये तुम तमाशा ही नहीं लाए पीछे आ जाओ आइए जिनके ख्याल में ये भाई ये सारे तुम्हारे घर वाले हैं मुझे लग रहा है ना ये जिनके ख्याल में ये भाई तुम्हारे साथ ग्रेविटी के अलावा कोई नहीं है आ जाओ जिनके ख्याल में ये भाई और इन जिनके ख्याल में ये भाई अच्छा नहीं एक मिनट आप दोनों आइएगा एक मिनट जिनके ख्याल में ये जिनके ख्याल में ये एक मिनट आप दोनों भाई तो नहीं हो मुझे छोटे बड़े भाई लग रहे हो भाई दोनों की शेप सामने देखे दोनों के एग्जैक्ट जगह से बाल गायब है एग्जैक्ट इनकी शेप है शक्ल भी मोर और लेस मिलती हुई है अच्छा नहीं एक मिनट अब करवाते हैं इनका फेस ऑफ आप तीनों जाइए थैंक यू वेरी मच इन दोनों का है फेस ऑफ एक गाने पर दोनों ने करने आप डिसाइड करेंगे कौन जीता ठीक है लकी रेडी जी अरे आपके इतने तमाशा ही बैठे वो कह रहे हैं क्या डांस किया मैं थोड़ी कह रहा हूं तो आप ऐसी हार मान रहे हैं क्या तो फिर तो रेडी लकी रेडी 1 2 3 गो ओ खानम कुजा मेरी ओ खानम कुजा मेरी ओ खानम कुजा मेरी ओ खानम जिंदगी कहने लगी तू मेरा मैं हूँ तेरी ओ खानम तुझा बेरी 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 ओ खानम ओ खानम ओ खानम ओ खानम ओ खानम ओ खानम इन्होंने और टफ कर दिया पूछे क्यों डांस भी एक जैसा ही करते हैं दोनों चले भाई दोनों के लिए एक रिबेल की वॉच दोनों को दे दे वर्थ रुपीज 25,000 दे दे नहीं वो उनके लिए उन लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच जी क्या शाहकार बने माइकल एंजेलोस ये इनकी नाक को क्या हुआ ये जरा दिखाएं नाक की जी हाँ ये आपने क्या बनाया है अच्छा कंप्लीट नहीं हुई है अभी नहीं मेरी नाक तो बहुत खूबसूरत है आपने तो खैर उनका जॉब सुना बनाया नहीं ये घबरा गए कि किसी और की बना दी गलती से
आराम से भाई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, फर्स्ट टाइम बनाइए, सभी ने फर्स्ट टाइम बनाई है यार। कोशिश तो बहुत करी है। ये अच्छी कोशिश है, इनकी नाक कुछ और है, नाक की जगह ये कान बना दिया मेरे ख्याल से आपने इनका, थोड़ा सेट करें जब तक आप, जब तक मैं एक और गेम खेलूं आप लोगों के साथ। इस गेम का नाम है जी सुर संभाल के। सिंगर कौन कौन है यहाँ पे? अच्छा सारे ही सिंगर है, अच्छा लकी तो खैर चलो बातों में लगा हुआ है। कौन कौन सुनाएगा गाना? आओ आप, नहीं आप नहीं, ये रेड रेड वॉल, आप आएंगी? आइए, मुझे टोटल छह लोग चाहिए, आप आएंगे? आइए। अच्छा ये गेम हम खेल रहे हैं आइस टैग की एलईडी के लिए, जो के है 40 इंचेस की, वर्थ रुपीज अराउंड 50,000। अच्छा जी, तो क्या नाम है आपका? शाबी। शाबी, शाबी सेंटर में आइए प्लीज। क्या सुनाएंगे आप? हैं? मैं सर गाना सुनाऊंगा। अच्छा रियली गाना सुनाना है? गाना सुनाऊंगा। हमने कहा छत, कौन सा गाना सुनाएंगे भाई? सर सजाद अली साहब का एक गाना सुनाऊंगा। कौन सा? आप बताएंगे तो उनको पता चलेगा, म्यूजिक बचाएंगे। याद तो आती होगी। वाह 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 वाह, शुरू करिए जी। बहुत सारी तालियां शाबी के लिए। आइए, रेडी, 1 2 3 यस। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें, ओ मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। आइए, वालेकुम अस्सलाम। एंड में लकी से सुनवाएंगे यही वाला गाना और बताएंगे कि कितना डिफरेंस है। अच्छा क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद, गाना गाया से पहले आपने? कोशिश करेंगे आज। आज कोशिश करेंगे, सबको तजर्बे हमारे पास आके कर रहे हैं। तो कोशिश यहीं पे होती है। कोशिश यहीं पे होती है। हाँ, अच्छा लगे सही है, बुरा लगे भी तो सही है। अच्छा लगे भी तो सही है, बुरा लगे भी तो सही है। चले जरा सही सुनाएं, क्या सुनाएंगे आप? गाना बताइए। सज्जाद अली का। सज्जाद अली साहब, क्या बार, एक बार सज्जाद अली साहब के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए यार, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूं उनका जी। कौन सा गाना बताएंगे? बस भाई बस। बस भाई बस। अच्छा जी चलिए मैं शुरू करता हूं। रेडी, 1 2 3 गो। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पिन की होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगते। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात। बस 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 बस, ऐसा लग रहा था वाकई किसी को धमकी देने आ गए। बस भाई बस, एक्सप्रेशन भी यूं और यूं हो रहे थे। कहाँ आ गए यहाँ पे? इधर आ गए। पक्की बात है? पक्की बात। आ गए हो या सिर्फ बॉडी आई है? सिर्फ आ गया हूं मैं। पूरा आ गए हो? पूरा आ गया हूं। चेक कर लो, कुछ कोई चीज रहने गई हूँ वहाँ पे। क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज सर, शाहनवाज क्या क्या सुनाओगे? गाना सुनाऊंगा। अच्छा, ये शाहनवाज यहाँ गाना सुनाने आए, और कोई काम नहीं कर रहा? शाहनवाज यहाँ गाना सुनाने आए, है ना शाहनवाज? ए हवा हवा, ए हवा हवा, खुशबू लुटा दे। ए हवा हवा, खुशबू लुटा दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। ये हवा हवा का सिंधी वर्जन है। फिर से स्टार्ट से, यस, 1 2 3 गो। ए हवा हवा, ए हवा हवा, खुशबू लुटा दे। Thank you.
हवा को डांट रहे हो क्या? जी? हवा को डांट रहे हो? नहीं नहीं क्या? हे हवा, हे हवा, ऐसा हवा ने क्या किया तुम्हारे साथ तो डांट क्यों रहे हो यार? और वो भी यहाँ यहाँ कोई साहब यहाँ किसी पे गुस्सा? हे हवा, हे हे हवा, लो यार थैंक यू, आ जाओ सर। हाँ जी नेक्स्ट कौन है? ये आपकी फैमिली है? क्या नाम है आपका? इरम। इरम क्या सुनाएंगी? कोको कोरीना। कोको कोरीना, चलिए यू रेडी? वन टू थ्री गो। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मन वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली वाली सी, रहती है वो दूर कहीं या तब पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। आपने बीच में क्या गाया था? अच्छा मैं आपको चीज, मैं एक चीज स्मेल कर लेता, मुझे अब ये जो खातून खड़ी है ना, इनका मेरी तो बारी ना आए, मैं ऊपर ही चले जाऊँ वापस, मेरी बारी ना आए यहाँ पे। नर्वस होने की क्या बात है, मैं हूँ ना आप लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? किसी की वाली कुछ काम ये बात है अम्मी। अच्छा ये आपका बेटा, ओके क्या नाम है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू मैम। देखिए इतने देर में सिर्फ एक खातून रही जिन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा क्या सुनाएंगे आप? मैं पहला नशा सुनाऊंगी। नहीं पाकिस्तानी का, हमारे यहाँ पहले नशे दूसरे नशे नहीं है, पहला नशा। हम नशे वाले गाने नहीं गाते। जी फिर आप बताइए आप कौन सा सुनना पसंद करेंगे? अरे वाह आप तो हमें ऑप्शन दे रही हैं, लकी बताओ यार, लकी बताएगा। कौन सा गाना करेंगे? कह रही है जो आप बोले वो सुनाऊंगी पाकिस्तानी। पाकिस्तानी आप अपनी पसंद का सुनाइए, जो आपको पसंद है, जो आप समझती हैं गा सकती हैं। अच्छा जो आप बोले। अच्छा आप रिलैक्स होके वहाँ बैठ के सोच लें आराम से कि मैंने क्या गाना है। नहीं आप जा आइए आइए प्लीज आइए, अब मेरी बारी ना आए, मेरी बारी आ जाए तो मैं क्या करूँ। क्या नाम है आपका? वाली जी सुमेरा। इसमें बताइए सुमेरा। सुमेरा अच्छा सुमेरा क्या सुना रही है? बेदर्दी बालमा। ये कौन है? पुराना गाना। पुराना गाना है? अच्छा मैं इतना पुराना नहीं हूँ तो मुझे इतना अंदाजा नहीं। पाकिस्तानी गाना बहुत छोटी हूँ। अच्छा ये इंडियन गाना है? नहीं आता इंडियन गाना है, ये इंडियन गाना है। पाकिस्तानी से इतने अच्छे अच्छे गाने हैं यार पाकिस्तानी। लकी ये आपको सोचना चाहिए था पहले कि आपको कौन सा गाना गाना है। जरूरी इंडियन गाना ना, पाकिस्तानी पाकिस्तानी गाइए। मैं सोचती हूं। एक गाना था मोहम्मद अली साहब का, अभी रिसेंटली मैं यूट्यूब पर अक्सर टाइम मिलता तो सुन रहा होता हूँ। एक गाना था वो थोड़ा सा मुझे याद है, ऐसे भी है मेहरबान। वाह वाह याद है आपको? मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, सिर्फ मुझे एक स्टार्ट याद है, वो कुछ इस तरह का था। अच्छा मेरी आवाज़ जो है वो इतनी खास नहीं है तो चांदनी रात। हाँ ये भी बहुत अच्छा गाना है चांदनी रात। आपको आता है? गाएंगी आप चांदनी रात? चले शुरू जाइए, मैं फिर बाद में देखूँ। चलिए आइए जरूर सुनना है, मैं सुनाता हूँ आपको। चले जी रेडी वन टू थ्री गो। चांदनी रात चांदनी जग जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें ओ चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। थैंक यू अच्छा आपने बोला जग जग सोए, फिर कौन सोए? दो तीन जग हुए थे हमारे यहाँ। थैंक यू राजेश जी। हाँ जी याद आ गया आपको? हाँ जी कौन है आप? हाँ आप भी गाएंगे यार? ऑलरेडी हमारे पास 6 लोग हैं। अच्छा खैर रुक जाओ अभी, कौन सा गाना गा रही है? दिल धड़के। दिल धड़के वाह जी वाह जी जी जबरदस्त, रेडी है? वन टू थ्री गो। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, आपने ये सोचा कि मैं ये वाला गाना गाऊं, ये कैसे आया आपके ज़हन में?
बैठी हैं ये उन्होंने. कौन है जी नंद? हुदा. इसका मतलब है आप भी गाने गाती होंगी फिर? हम मिल के गाते हैं ना. मतलब घर में गाने चल रहे होते हैं? मतलब चल रहे होते हैं. जैसे घर वाले चले गए तो मर्द उधर आते हैं घर के अंदर. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. सामने सामने चल रहे. सब सामने चल रहे. सब बैठे एक दूसरे के सामने गाने गा रहे होते. अच्छा जी नाइस. ठीक है नहीं आ जाइए. अच्छा डिसाइड करना है लकी ने. जी बिल्कुल हो गए सारे. अच्छा क्विकली डिसाइड करेंगे. ब्रेक ब्रेक लेंगे. सॉरी सब कंटेस्टेंट्स ने गा लिया. सारे सब ने गा लिया. ठीक है आ जाइए सब आ जाइए. अरे बाबा तुम तो इधर आओ ना. तुम तो मेरा दोस्त बन जाओ. सही है एक दफा हवा हवा हैं माइक के साथ. एक दफा हवा हवा बोले. बहुत सुनाना है बोलना नहीं है. यही मत या इसको समझ. बोलना नहीं था हवा हवा गाना गाना है. हवा 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 रेडी है चले. 1 2 3 गो. ए हवा हवा ए हवा हवा खुशबू लुटा दे. खुशबू लुटा दे यार मिला दे. दिलदार मिला दे. ए हवा हवा खुशबू लुटा दे. खुशबू लुटा दे यार मिला दे. दिलदार मिला दे. तुम्हारी शादी हो गई जी? माइक में शादी हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं. इतने गुस्से में हवा को बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला फिर. जी सर सुना. वो किसके बारे में? बोल न्यूज़ के बारे में. बोल न्यूज़ के बारे में सॉन्ग बनाया है? जी जी थोड़ा सा. माइक इनसे ले लेना. नहीं नहीं एक मिनट मैं अभी सुनवाता हूँ तुम्हें. जी जिनके ख्याल से ये लकी जी वो तो मैं इनको साइड पे कर दूँ. जी इनको तो इनको पाकुला पिलाओ पहले. चलो पाकुला पिलाओ. पहले पाकुला पिलाना है. इन सब में से जो मुझे समझ में आया जिन्होंने अच्छा गाया है वो जिन भाई ने ये सबसे हाइट में सबसे ऊंचे जो है सब इन हम सब. ये बात आ जाइए जी. आगे आइए आगे आइए. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. आपके साथ जाएगी आइस टैग की एलईडी. थैंक यू जी. थैंक यू अगी भाई. ये वेलकम. अच्छा रनर्स अप के लिए प्योर कुकिंग ऑयल के गिफ्ट हैंपर्स हैं. बनाइए लकी. अब एक दफा अली भाई का गाना आपका हो गया. सेम गाना सेम गाना. जरूर आपने वो गाना के साथ ब्रेक पे जाएंगे गाने के बाद. आपने वो गाना जो कहा था वो पहले आपसे सुनना है. पहले वो सुनाऊं मैं जी? प्लीज. अच्छा जी मैं सुना देता हूं. सिर्फ स्टार्ट का मुझे याद है कुछ इस तरह का था वो. माइक दीजिएगा भाई. अच्छा मजाक किसी ने नहीं उड़ाना है ठीक है क्योंकि मेरी बर्थडे आज. ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं. ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी राह में जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं जैसे जानते नहीं. ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक के बाद मिलते हैं. गेम शो ऐसे चलेगा. गेम शो ऐसे चलेगा. सबके साथ चलेगा. गेम
वेलकम बैक जी, आप लोगों ने स्केचेस बना लिए? आइए ना, आ गया है ना। डर क्यों रहे हो यार? कुछ कहने वाले जी? क्या दिखाने से पहले क्या कहने वाले? कहना ये है कि वैसे तो शुरू से मुझे ड्राइंग इतना मतलब दिलचस्पी नहीं थी जी, सिर्फ अपने वाइफ के कहने पे मैं नीचे आ गया, कि वाइफ का गाय से वाइफ वाइफ तो वाइफ है, वाइफ है, बात माननी होती है। बात नहीं, एक तो मांग माननी होती है, लेकिन एक दिल से माननी होती है। जैसे क्या क्या करवाती है? बात क्या बात मनवाती है? नहीं नहीं, हर जायज बात। नहीं वो तो सही है, हर जायज बात, लेकिन जो उनके हक है, जैसे मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। आज मैं पिज्जा खाऊंगी जी, आज पिज्जा खाऊंगी, आज बर्गर खाऊंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्या है। ये तो कुछ भी नहीं है, वो है क्या बात है? बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं ये, जैसे आज आप ब्लैक पहन के जाएंगे, मैं नहीं जा रही आपके साथ। ऑफ कोर्स नहीं पहनूंगा मैं, नहीं कपड़े नहीं पहनूंगा, ब्लैक नहीं पहनूंगा, दूसरे जो वो ब्लैक पहनूंगा, जो वो बोलेंगी वो पहनेंगे, उन्हें अच्छा लगाना चाहिए। आप सारी बातें मानते हो उनकी? जायज मैंने कब मानने वाली होती है वहाँ पे, मतलब नाजायज क्या बातें कहेंगी आपसे? अभी लग तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं करी, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे माशाल्लाह आपकी शादी शुदा है, दोनों में आपके भी दो बच्चे हैं, मेरे भी दो बच्चे हैं, माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियां हैं माशाल्लाह। जी जी, मैं भी वाइफ की सारी बात मानता हूँ। बंदा को ना सेफ गेम खेलना चाहिए, मतलब घर में जाए तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? खाना वाना बना लिया आपने? सब खैरियत? मैं तो ऐसे घर में ऐसे रहता हूँ, बाहर निकलता तो हाँ भाई क्या हो रहा है, सब ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात ये है कि आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। अभी तुम कह रहे हो वाइफ के साथ खड़ा था तुम अच्छा, यार तुम बात यही बात नहीं करी मैंने, ये नहीं कहा कि वाइफ के साथ खड़ा हूँ तो अच्छा लग रहा हूँ, ये बात नहीं करी मैंने। अच्छा तुमने स्केच बना लिया? वो तो बस बना दिया मैंने, स्केच दिखाओ पहले अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अल्लाह तो बेशक। आए भाभी, अभी आइए आगे। अब आप लोगों ने डिसाइड ये करना है, ये भाभी है, ये इनका स्केच है, कितने करीब से बनाया जरा देख के बताइए, दिखा तो दें भाई, खुद नहीं देख रहा इनको दिखाना है। ये तुमने बनाया? इतना आपको गुस्सा आ रहा था? नहीं कितना गुस्सा आ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ, उससे थोड़ी कर, तुमने बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, अपने हाथों से बनाया, जो हो सका वो करा। तुम कहाँ, क्या हुआ? मतलब डरने की क्या बात? वापस बंद भी कर लिया उसको उसने। भाभी बहुत शरीफ आदमी है मेरा भाई, ऐसे ही इसको हमेशा आप ख्याल रखिएगा, ठीक है? और लो आप लोगों को खुश रखे, लाइए माइक दीजिए, अभी मैं दूसरों से पूछता हूँ। आइए जी, बना लिया आपने? जी जनाब, कोशिश तो पूरी करिए। अच्छी से कितने आए? मुझे लग रहा है बहुत ही कमाल बनाया है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश तो पूरी करिए, अब ये देखने वाले ही बताएंगे। बाइक के लिए अगर आपने अच्छा बनाया होगा, आज आप बाइक लेके जाएंगे सर? हार जीत तो खैर गेम में होता रहता है, तो बाइक आपको ना दे, अगर आप जीत भी जाए तो बाइक ना दे। सर मुझे बाइक ना दे, मेरे बच्चे के लिए गाड़ी दे दें, वो मैं आपको वैसे ही देता हूँ। बच्चे को गाड़ी दो भाई, BTL की गाड़ी दीजिए बच्चे को जी। अब अगर आपकी बाइक अगर आप जीत जाते तो आपको नहीं चाहिए? सर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वादा किया है। क्या नाम है आपका? नाम बताएं? हाँ वकी, वकी विकी नाम होगा, मोहम्मद वकी खान। मोहम्मद वकी खान माशाल्लाह, क्या मतलब होता है वकी का? वकी का मतलब होता है समझदार। समझदार, चलो मेरा बेटा दिखाइए जी। भाभी आगे आ जाइए, बराबर में खड़े हुए लोगों ने देखना होगा ना कितने करीब से बनाया है। Not a bad effort by the way. कदरे बेहतर है। जी, not a bad effort. ठीक है, आप भी खड़े हो जाइए पीछे। आई वो उन्होंने वहाँ चेंज करना शुरू कर दी जल्दी जल्दी। टाइम खत्म हो गया है। माइक पे बताइएगा। चेक कर रहा था कि सही है नहीं है। अभी पिछले 2.5 घंटे से यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे भाई? 2.5 घंटा किधर दानिश भाई? मतलब इतना ही टाइम चाहिए स्केच बनाने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, बेगम बेगम का स्केच तो ये होता है, ये आपने आग बंद करी और ये शुरू किया, अब वो डर के मारे है या प्यार में बना दिया?
मैंने दिल की आंख से बनाया है ये। दिल की इनकी आंखें हैं उनसे बनाया है। दिल की आंख से जरा दिखाएं दिल की आंख मुझे माइक। मैं बना के दिखाऊं? उनका स्केच जो है ना वो यहाँ बना हुआ है या दिल पे बना हुआ है मेरे स्केच ये जी ऊपर तो कीजिए। नहीं नहीं बेहतर बना है काफी बेहतर बना है। अच्छा आप दोनों आगे आ जाइए आप भी आ जाइए और तीनों अब ये खोलिए उसे खोले जी जिनके ख्याल में ये जिनके ख्याल में सेकंड वन जिनके ख्याल में वो बाइक आपके साथ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। डैन पार्क की बाइक लाइए डैन पार्क की बाइक दिल विच तेरा और रनर्स अप के लिए बैटिंग पार्क की गिफ्ट कैंपर दें। पाकिस्तानियों तालियां तो बजा दो। थैंक यू वेरी मच जी। तो मैंने इनको कितना ऑफर किया था याद है किसी को? पंद्रह लाख दिए मैंने आपको कैश। नहीं पंद्रह नहीं पंद्रह लाख कैश दे रहा हूँ यार और कह रही और बड़ा है गाड़ी होगी इसमें गाड़ी होगी इसमें ले लो। अच्छा लाओ एलईडी लेकर आओ यार दोनों एलईडी ले आओ ले आओ आइसर की दोनों एलईडी लाओ। ये तकरीबन एक लाख रुपए बढ़ा दिए मैंने दो एलईडीज पंद्रह लाख कैश। बाइक भी ले आओ। चलो और बस बताइए बोल तुझे क्या चाहिए। 15 लाख कैश दो एलईडीज एक बाइक। बच्ची कह रही पॉटरी बेटी कह रही पॉटरी। अंकल ट्रस्ट मी इसमें सेल फोन भी हो सकता है बाइक भी हो सकती है सब में गाड़ियां नहीं है। नसीब मेरा अब तक के शोज की मैं सबसे बड़ी ऑफर देने लगा उसके बाद ये ऑफर कैंसिल हो जाएगी। मैं आपको 17 लाख दूंगा। बाउंड्री बाउंड्री 17 लाख 1.7 मिलियन रुपीज यार आप समझाओ इनको। गाड़ी है इसमें गाड़ी। नसीब है जो नसीब में निकले। पॉटरी मैं कोई ऑफर नहीं दूंगा आपको। फाइनल आपको पोटली चाहिए। थोड़ी और बढ़ाएं ऑफर फिर। नहीं अब नहीं बढ़ाऊंगा ये लास्ट है। नहीं चाहिए ये सामान उठाओ आ जाओ सामान साइड पे रखो। अब सिर्फ पोटली और आप हैं।
मैंने इनको ऑफर किए 17 लाख रुपए, 2 LEDs, 1 bike. मैं चाहता था ये लोग यहाँ से जीत के जाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि जो इनकी किस्मत में होगा इनको वही चाहिए. इनकी किस्मत दिखाऊं आपको? तुम बताओगी नहीं? ठीक है, वालेकुम सलाम. इन्होंने जो मैंने कहा था वो सब छोड़ा है और इनका ये निकला. ठीक है, 17 लाख कैश. तुम आ जाओ, थैंक यू, बैठ जाओ. 17 लाख कैश छोड़ने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है. ये इंसान उसी वक्त करता है जब उसको उससे ज्यादा की लालच होती है. ऑफर खत्म हो चुकी है, अब इनके पास सिर्फ पोटली है और पोटली में इनका निकला है 17 लाख. और क्या क्या दे रहा था मैं? नसीब जो निकला. थैंक यू. तो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, लालच. बहुत सारी तालियां. एक मिनट, जी आपकी बेटी की भी बर्थडे, माइक दीजिए ने. अच्छा आप रोइए नहीं, इनको मैं बाइक के साथ 2 लाख कैश देता हूं. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. सी यू. क्या ये चलो. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए. यार ये लालच वाकई बहुत बुरी बला. 17 लाख कैश छोड़ा है इन्होंने. तो खेलेंगे मेरे साथ? मेरे पास नेक्स्ट गेम है चक्कर पे चक्कर. ऐसा कौन है जिसे गोल घूमने से चक्कर नहीं आते? 3 लोग चाहिए मुझे, 3 लोग. आप आओ, ब्लू वाली शर्ट, ब्लू शर्ट, रेड कैप. आप 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 रेड कैप. आप आओ पीछे, व्हाइट शर्ट. नहीं नहीं आप नहीं, आप नहीं, आप व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट. 3 लोग चाहिए मुझे. आप आओ. सलामुअलैकुम जी. लाइए जी बेसबॉल बैट लाइए. आइए 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 आइए. अच्छा आप जरा करके बताइए इन्होंने क्या करना है. आपको 4 चक्कर लगाने हैं इसके साथ, उसके बाद आपने इस बॉल को ले जाके उस बकेट में डालना है. कैसे जरा बताइए चक्कर लगाने. 1, 2, 3 and 4. सही हो? सही है. चलो इस तरह 4 चक्कर लगाने, फिर बॉल उठानी और मार डालनी. कौन आएगा पहले? आ जाइए रेड शर्ट, रेड रेड सॉरी कैप. एक मिनट, मलका फूड्स की तरफ से
9-in-1 फूड फैक्ट्री मिलेगी जो जीतेगा, ठीक है। अच्छा ये काउंटिंग कौन करेगा, आप लोग करेंगे? ओके, चार राउंड लेने, क्योंकि चार राउंड देने के बाद इनको पता नहीं होता दुनिया का है और आसमान का है। रेडी, 1 2 3 गो। वन। ओ भाई एक सेकंड, चार चक्कर लगाने हैं आपने। वन पे भाग गए तुम यार, चार हम बोले, मैं बोलता हूं तुम्हें चार, चलो 1 2 3 गो। एक, दो, तीन, चार, चलो जाओ। हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, शराब पीना सिखा दिया। जल्दी 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 चार चक्कर दोबारा, चार चार, 1 2 3 4। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। दोबारा दोबारा, राउंड राउंड राउंड, 1 2 25 सेकंड रह गए, 3 4। चला 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 चला, सारा जहान मस्त मेरा भाई जान मस्त, सारा जहान मस्त मेरा भाई जान मस्त। जावा जल्दी, 1 2 बस 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 बस, कौन है आप? इनको पाखोला पिलाओ यार। आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। चलिए फैजान, रेडी है आप? चार चक्कर, उसके बाद दुनिया ऊपर आसमान नीचे। रेडी, 1 2 3 गो। एक, दो, तीन, चार, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। 1 2 3 4। सारा जहान मस्त, शहर मस्त, शाम मस्त, सारा जहान मस्त मेरा भाई जान मस्त। चलो, 1 2 3 4। मेरे बाद किसको गिराओगे, मेरे बाद किसको सताओगे? जल्दी 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 चलो, 1 2। टाइम अप, आराम से, रिलैक्स, ठीक हो गए? आ जाओ भाई, पाकुला पिलाओ इन्हें भी। एक मिनट, खैरियत से आप? क्या नाम है आपका? ये मुझे लगता है घर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फौरन रेडी, चले, 1 2 3 गो। एक, दो, तीन, चार, चले। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। एक, दो, तीन, चार, सारा जहान मस्त मेरा भाई जान मस्त, सारा जहान मस्त शहर सहर शाम मस्त। तेज, 1 2 3 4। ये जो हल्का हल्का
करोगे चार जाएगा जल्दी जल्दी लास्ट है जी सकते हो एक दो तीन चार चलो 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 ये जो हल्का 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 इनके बेटे के लिए साइकिल दे भाई एक बटाटा की साइकिल दीजिए तो साइकिल काफी है फिर आपके लिए है नहीं यार जो आपने जो विन किया वो तो मिलेगा इनका प्राइस बताइए मलका फूड की फूड फैक्ट्री इनके साथ जाएगी और बेटे के लिए साइकिल भी जाएगी साइकिल एक मिनट चक्कर क्यों नहीं आ रहे थे आपको मुझे लग रहा जाइए बैठे हुए थे इनको वैसे ही चक्कर आ रहे थे यहाँ आए तो ये सही हो गए यही लग रहा है यही हुआ है बहुत मुबारक आपको थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया रनर्स अप के लिए शकरगंज और बैटिंग बैटिंग के गिफ्ट हैंपर्स जाएंगे नहीं उन्होंने चार डाली है चार डाली लॉक मुझे तो मैं बना दूंगा लॉक अच्छा वो कॉलर को मिलाई जिन हमने कार्ड के लिए कुरानदाजी करनी थी तीन कार्ड से लाइए बॉल लाइए पर्ची होगी ना उसमें अच्छा ये वो तीन कॉलर्स हैं जिनको हमने कॉल की थी उनमें से किसी एक का नाम निकलना है कॉल उठाएगा ये मुझे कोई बच्चा चाहिए आओ आ जाओ इसमें से एक निकालो और मुझे दो इस बच्चे को बटाटा की साइकिल दो इस बच्चे के साथ जाएगी जाओ ये नंबर है E12176347 14 अच्छा ये वो थे जो टैक्सी चलाते हैं महत कॉल लगाई है ने? इनकी इनकी कार निकली जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सोए तो नहीं थे आप नहीं नहीं पर नींद ही नहीं आ रही होगी नहीं नींद ही नहीं आ रही बाकी है ना तो मुझे आपको बताना था कि आपका निकला है एक अदद रक्षा रक्षा ये है साउंड इफेक्ट भी आ गया रक्षा का वहां पे नहीं सर मैं तो खुश हूँ मेरे तो काम की चीज है मेरे अच्छा आपके काम की चीज है आप खुश हैं इस पे भी जी सर चले आपको थोड़ा सा और खुश किए देते हैं आपकी निकली है 800 सीसी कार ताली होनी चाहिए इनके लिए बहुत सारी महत फ्रॉम हैदराबाद शुक्रिया दानिश भाई महत अब तुम खुश हो जी सर बहुत खुश हूँ अभी वापसी में देता हूँ अच्छा महत तुम हैदराबाद में रहते हो ना जी सर अब जब तुम कराची आओगे ना इस गाड़ी में तो मुझे बॉम्बे बेकरी का केक चाहिए बिल्कुल सर बिल्कुल ले आओगे कौन कह रहे हमारे लिए भी यार यहाँ इतने सारे हाथ खड़े हो गए मात नहीं मेरे लिए भी मत लाना ठीक है बस मैं खुद ही ले लूंगा थैंक यू मात थैंक यू बहुत मुबारक हो आपको अच्छा मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद मेरा गेम है लूट लो उसमें जितना सामान मेरे पास होगा वो आप लोग लूट लीजिएगा और उसके अलावा मेरे पास है एक 800 सीसी कार आप में से किसी भी एक खुशनसीब के साथ आज घर जाएगी गेम शो ऐसे चलेगा 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 एक नया अंदाज मिलेगा गेम शो ऐसे चलेगा गेम शो
अच्छा अपने अपने स्क्रैच कार्ड्स निकाल लीजिए आप, किसी एक की गाड़ी निकलने वाली है 800 सीसी कार, इसके बाद खेलूंगा मैं लूट लो। कम ऑन अपने अपने कार्ड्स निकालिए, आप लोग रेडी हैं? 3, 2, 1 स्टॉप। 8218400825 कौन है? आ जाइए। 800 सीसी कार मुबारक को, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। पाकिस्तानियों तुम्हारी गाड़ी नहीं निकली, कोई बात नहीं, किसी की तो निकली, तालियां तो बजाओ। जो ज्यादा शोर करेगा मैं लूटों के लिए वही आऊंगा। बस शोर कम नहीं होना चाहिए, वही आऊंगा जो शोर कर रहा होगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेटा कार्ड चेक करो, इनका कार्ड चेक कर लेना, कार्ड दिखाइएगा मुझे, चेक कर लेना। ये वही नंबर है, ठीक है। क्या नाम है आपका? माइक बताइए। ऐसा क्या करती है आप? कुछ नहीं करती, घर में होती। मतलब कुछ भी नहीं करती है, मतलब घर में होती। आपको खुशी नहीं हुई गाड़ी की? अंदर अंदर खुशी है? कुछ लोग होते हैं ना अंदर खुश हो रहे होते हैं कि यस गाड़ी निकल गई, मैं क्या क्या करूंगी गाड़ी के साथ, घूमने जाऊंगी आज ही। क्या करेंगी आप गाड़ी का? क्या करेंगी? भाई को दूंगी। मैंने आपको ये वाली गाड़ी नहीं दी है, 800 सीसी कार है। अच्छा बड़े भाई हैं आपके, तो उनको दे देंगी। फायदा क्या हुआ, निकली तो आपकी है। वो भी मेरा ही भाई है। हाँ भाई भी तो मेरा ही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन जीती आप है, आप कुछ नहीं करेंगी गाड़ी का। ड्राइविंग आती है आपको? नहीं। तो सबसे पहले आप ड्राइविंग सीखिए। अच्छा। उसके बाद फिर आपने जहाँ जहाँ घूमने जाना हो आप जाइएगा, भाई को साथ ले जाइएगा, ठीक है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू वेरी मच। तो कौन खेलेगा लूट लो? जहां शोर ज्यादा होगा वहां आऊंगा मैं। और सीट से, एक मिनट, सीट से कोई नहीं उठेगा, सीट से उठेगा मैं वापस नीचे आ जाऊंगा, अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, मैं खुद आऊंगा। रेडी है? जहां शोर होगा वहां आऊंगा। आ जाओ, बैठे रहेंगे, बैट एंड बात के गिफ्ट हैंपर्स, बैट एंड बात के गिफ्ट हैंपर्स, शकरगंज के गिफ्ट हैंपर्स हैं। पाको ले लाओ जल्दी जल्दी, बैठ जाओ बैठ, जो शोर करेगा वो आऊंगा। लेके आओ लूट, सब ले आओ, आज पूरा स्टेज खाली करूंगा। जल्दी जल्दी पाकू ले लो, उधर 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 उन लोगों को, अंकल को दो, अंकल को दो, अंकल ये लीजिए। चलो जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाइए। मैं लेता हूँ सर। अच्छा रुक जाओ, उनको दीजिए, इन लोगों को दीजिए। चलो यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे दीजिए। चलो बच्चों जगह पे बैठे, सब पे जगह पे बैठे, जगह पे बैठो तो मिलेगा, जगह पे बैठो, जगह पे बैठो, जगह पे बैठो, सब जगह पे बैठो, जगह पे आराम से गिरो नहीं शाबाश। इनको दो, इनको दो। अच्छा पूरी टीम मेरी, मुझे सेट पे चाहिए, आप सब भी आ जाइए। लकी कम ऑन,
बैक ऑफ द कैमरा जितने लोग हैं सारे पीछे जितने बैठे सब आ जाइए। शाज़ेब आ जाओ। अच्छा लकी आप गाना गाएंगे कोई भी अच्छा सा बर्थडे की मुनासिबत से, ठीक है? आ जाओ शाज़ेब, गाओ। फरहान है चले चले आ जाओ। एक बार मेरी पूरी टीम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। वैसे अब बर्थडे मनाते वक्त कुछ अजीब सा लगता नहीं बच्चों की होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि फॉर्मेलिटी है इसलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तैमूर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तैमूर। यार तुम लोगों की तो भारी। हैप्पी बर्थडे, happy birthday to you, happy birthday dear Samuel, happy birthday to you. Thank you very much, thank you. आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक गेम शो ऐसे चलेगा बे। गुड नाइट। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां।